अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान में होंगे अल्लाह ताला की। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपनी स्क्रीन में कि मैंने पैटीज़ बनाए हुए हैं, चिकन पैटीज़ हैं, तो आज मैं आपको चिकन पैटीज़ बनाना सिखाऊंगी और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चिकन पैटीज़ का में जो फिलिंग है चिकन की वो किस तरीके से बनेगी। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और ये विदाउट ओवन है। तो सबसे पहले तो आप एक बोल ले लें। बोल में हमने सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, डो बनाने का प्रोसीजर। तो इसमें सबसे पहले हम पानी ऐड करेंगे, 250 ग्राम पानी ऐड किया है मैंने, 7 ग्राम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे 50 ग्राम, और ये तीनों चीज़ें जब ऐड हो जाएं तो आपने इसको अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि अंदर तीनों चीज़ें हल हो जाएं पानी में। अब इसमें ऑयल ऐड कर दें, ऑयल भी 50 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद अब इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा की क्वांटिटी 500 ग्राम है। मैदा डाल के हमने इसकी डो बना लेनी है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे तो इसकी डो बन जाएगी। ये देखिए, ये डो मैं बना चुकी हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी, ना ये बहुत सॉफ्ट है ना ये हार्ड है, ये इसकी मीडियम सी कंसिस्टेंसी है। अब इसको किचन स्लैब के ऊपर रख के आपने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से इसको नीड कर लेना है। ये देखिए, डो बहुत अच्छी नीड हो चुकी है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि नीड करने के लिए जो पानी है वो आपने बिल्कुल नॉर्मल लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज करेंगे आप। नीड करने के बाद डो का वेट कर लें। जितना डो का वेट होगा उससे हाफ वेट का हमने यूनिपफ लेना है। अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा 800 ग्राम बना है, तो हम 400 ग्राम यूनिपफ इसमें यूज करेंगे, यानी हाफ एंड हाफ रेशो हम रखेंगे यूनिपफ के वेट की और डो के वेट की। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, ये यूनिपफ है, ये मैं मार्केट से लिया है और ये मार्केट से बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये 400 ग्राम यूनिपफ है मेरे पास। डो को 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दें और अब आए फिलिंग की तरफ। चिकन ले लिया अपनी जरूरत के मुताबिक और उसको बॉयल कर लेना है अच्छे तरीके से। बॉयल करने के बाद इसको श्रेड कर लेना है। एक बोल ले लें, उसमें तकरीबन 1 कप दूध का इसमें ऐड कर लें, जो स्टैंडर्ड साइज कप होता है वो दूध इसमें हम शामिल कर लेंगे। अब दूध में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर हम ऐड कर देंगे। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो मैदा भी ऐड किया जा सकता है, वो रिप्लेसमेंट भी कॉर्नफ्लावर की हो सकती है। और इसको मिक्स कर लें दूध में अच्छे से। अब हसबे जायका स्पाइसेस ऐड कर लें। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लें, वैसे आप स्पाइसेस टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो। और इसमें 1 टीस्पून ही मैं ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर। और इसमें शामिल कर लें चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। और मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लें दूध के अंदर। अब हम इसका मिक्सचर जो है उसको थोड़ा सा पका लेते हैं। एक कढ़ाई ले लें, उसमें आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल लेने हैं। और उसमें हम बारीक कटी हुई 1 प्याज या 2 प्याज, आप जितनी भी आपका मटेरियल बन रहा है उसके हिसाब से डाल लेना है। और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, बिल्कुल इसको सौते करना है हमने, ज़्यादा नहीं पकाना। अब जब प्याज सौते हो जाएं तो इसमें 2 खाने के चम्मच हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और जो लहसुन का पेस्ट है उसको प्याज के साथ हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेना है। ये देखिए, ये 2 चम्मच मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करें। हरी मिर्च का पेस्ट आप अपने मटेरियल के मुताबिक, मिक्सचर के मुताबिक डालें। जितना मिक्सचर अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐड करें, अदरवाइज कम ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा मिर्चें भी अच्छी नहीं लग रही होती। सो मैंने इसमें 1.5 चम्मच ऐड किया। जब ये तमाम चीज़ें 2-3 मिनट तक भून हो जाएं, तो अब हमने इसमें दूध का जो हमने मिक्सचर रेडी किया हुआ है वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये जो हमने शामिल किया है इसको हमने पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, कि जो दूध है इसमें वो खुश्क हो जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब ये देखिए, जैसा कि आप बिल्कुल देख रहे हैं कि फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी। इसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब हम डो की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैदा स्प्रिंकल कर लें और उसके ऊपर डो रखें। इसको हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, ज़्यादा फ्लैट नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बेलन से फ्लैट करेंगे। ये देखिए, बेलन ले लेना है और इसको बड़े नरमी के साथ, नरम हाथों से थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट
फ्लैट करना है। अच्छा, इसकी डो का एक प्रोसेस है थोड़ा सा, जो आपने बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब यूनिपफ ले लेना है आपने, बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है और साइड्स से जो है हमने डो जो है उसको इसके ऊपर काइंड ऑफ लपेट देना है इस तरह से, ताकि वो अंदर बिल्कुल छुप जाए। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल बंद कर देना है, लाइक दिस। अब हम इसको फ्लैट करेंगे अपने बेलन की मदद से, एहतियात से करना है ताकि ये टूट ना जाए। अच्छा, अब जितना डो को मैक्सिमम आप थिन बेलन से कर सकते हैं उतना कर लेना है इसको, डो को। और इसको फोल्ड करने का तरीका भी आप देख लें कि इस तरह से फोल्ड करना है आपने, और फिर दोबारा से इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। और जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है, और दोबारा से हम इसको फिर इसी तरीके से बेल कर फोल्ड करेंगे। और ये जो प्रोसीजर है ये हमने 3 से 4 दफ़ा करना है अगर आपको अच्छी लेयर्स चाहिए पैटिस की। अब ये देखिए, मैं बहुत अच्छे से इसको फोल्ड कर चुकी हूँ। इसी तरह से आपने फोल्ड करना है और इसको फिर किसी न किसी आपने चीज़ में, किसी न किसी पैन में आपने थोड़ा सा मैदा लगा के इस तरह से इसको ढककर छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा डो को रखे हुए गुजर गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी इसमें से, और हमने इस दोबारा से वही वाला सारा प्रोसेस रिपीट करना है। थोड़ा सा मैदा लगा लें ताकि ये चिपके ना, और उसके बाद इसको फिर से बेलन से मैक्सिमम थिन कर लेना है, जितना थिन हो पाए। ये देखिए, दोबारा से वही प्रोसेस करें। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस आपने 2 से 3 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा तो लाजमी करें, लेकिन अगर 4 दफ़ा करेंगे तो लेयर्स बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो ये देखिए, दोबारा से मैं इसको बेल लूँगी बेलन की मदद से। ये देखिए, मैं एक दफ़ा फिर इसको थिन बेल चुकी हूँ। मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसको फोल्ड करने का तरीका बता दूँ कि आपने इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है ताकि लेयर्स बहुत अच्छी बन जाएं। एक्चुअली जो पैटीज होती हैं या पफ पेस्ट्री से जो चीज़ें बनती हैं उनमें मेन चीज़ होती है उनकी लेयर्स अच्छी हों। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी लेयर्स बन जाएंगी। ये देखिए, आपने यही वाला प्रोसेस रिपीट करना है और इसको दोबारा से एक दफ़ा फोल्ड कर देना है। चारों बार आपने इसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। अब ये देखिए, मैं इसको आखिरी बार बिल्कुल फ्लैट कर चुकी हूँ, बेल चुकी हूँ। अब हम इसके कटिंग करेंगे कटर से। कोई राउंड कटर ले लें, साइज़ आपकी मर्जी का है। बाइट साइज़ भी पैटीज बनते हैं और बड़े साइज़ के भी बनते हैं, आपको जो भी साइज़ पसंद है आप वो उसकी कटिंग कर लें। ये मैं बेस का जो पीस है उसकी कटिंग कर रही हूँ, मेरे पास ये कटर है तो मैं इससे कटिंग कर लूँगी। आपके पास कोई सा भी कटर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और मेरे बाइट साइज़ में मैं बड़े पैटीज़ बना रही हूँ। और दूसरी साइड से, इसकी जो दूसरी साइड है उससे मैं ऊपर वाले पीस की कटिंग करूँगी। आप कोई सा भी राउंड ले लें, कोई सी भी चीज़ हो आपके पास, आप उससे इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये आपने याद रखना है कि इसकी जो थिकनेस है वो 1/2 इंच तक आप रखिएगा। मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन 1/2 इंच तक इसकी थिकनेस है, तो इतनी थिकनेस आपने इसकी रखनी है। तमाम के तमाम इसी तरीके से काट लें, और जो डो बच जाए उसको दोबारा से बेल के यूज़ कर सकते हैं। उसको ज़ाया नहीं करना, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको दोबारा से बेल लें और पैटीज उसके बना लें। अब एक अंडा ले लें, उसको फेंट लें और ब्रश की मदद से ये जो बेस वाला पीस है हमारा, इसके ऊपर अंडा लगा लेना है, सबके ऊपर लगा लेना है आपने। अब जब इसके ऊपर अंडा हम तमाम के ऊपर लगा लेंगे, फिर हम इसके ऊपर हम इसकी फिलिंग लगाएंगे। अब जो तमाम पीस थे मेरे पास, उनके ऊपर मैं अंडा लगा चुकी हूँ। अब हम इनके ऊपर फिलिंग लगाएंगे वन बाय वन। अच्छा, फिलिंग का भी ये है कि फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो जब हम उसको बेक करेंगे तो वो उसके बाहर निकलने का ख़तरा है। सो फिलिंग मुनासिब ही इसमें हम रखेंगे, और तमाम के ऊपर इस तरह से फिलिंग डाल लें। फिलिंग हम तमाम में डाल चुके हैं। अब जो ऊपर वाला पीस है वो भी हम वन बाय वन सबके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये बहुत ही मज़े के पैटीज बनने जा रहे हैं, सब रख लें इस तरह। अब जब दूसरा पीस भी आप रख लें तो एक छोटा ले लें आप कटर, कोई सा राउंड कटर, और इस तरह से आपने ऊपर से
जो पैटी है हमारा उसको प्रेस करना है नीचे की तरफ। इससे ये होगा कि इससे शेप बहुत अच्छी आएगी, जिस तरह राउंडेड शेप हम मार्केट से जब पैटी खरीदते हैं उसकी आती है, सेम वैसे ही इसकी शेप आएगी। यूं करके आपने थोड़ा प्रेस करना है। इससे ये भी है कि इससे जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आ पाएगी। सो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इनको एक मोल्ड के ज़रिए इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। अब जब तमाम पैटीज की शेप बन जाए तो इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से अंडा हमने लगा लेना है। अब हम आ जाते हैं पैटीज की गार्निशिंग की तरफ। गार्निशिंग से ये है कि बहुत अच्छे दिखने में लगते हैं, तो मैं जब बनाऊं तो मैं इसके ऊपर एक पीस शिमला मिर्च का, एक ऑलिव और छोटा सा कोई टमाटर काट के मैं ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि उससे ये है कि ये बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। आप भी इसी तरह लगा लें। सो हमारे पैटीज अब बेक होने के लिए रेडी हैं। एक पतीला लें, उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है और रख दें। ये देखिए तकरीबन पौना घंटा हो गया है और ये इनकी आप शेप देखें, बहुत ही अच्छी बन गई है। पौने घंटे से एक घंटे के दरमियान आपके पैटीज रेडी हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कलर भी बहुत अच्छा आया है। एक घंटा हो गया है और पैटी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पैटी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ और एक क्लोजली भी दिखा देती हूँ। ये देखें नीचे से बहुत ही परफेक्ट पके हुए बिल्कुल बने हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सेंटर से ये किस तरह के मज़ेदार बने हैं। खुशबू बहुत ही आला आ रही है इसमें से। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत अच्छे फूल भी गए हैं। सो पैटीज बिल्कुल रेडी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे फूल गए हैं। और आप इनकी लेयर्स ज़रा देखिए, लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। सो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास ओवन नहीं है, आप इसको बिल्कुल घर में पतीले में बनाएं। और जब आप ये रेसिपी ट्राई कर लें तो मुझे फीडबैक में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी और आपकी जो पैटीज हैं वो किस तरह के बने हैं। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, और अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।